एक तरफ जहां देवताओं की चर्चा हमेशा कारनामों से जोड़कर बताई जाती है और राजा रानियों के किस्से हमेशा शौर्य और समृद्धि से जोड़कर देखे जाते हैं, वहीं हिंदुस्तान की एक रानी ऐसी थी जो थी तो मानव, लेकिन उनकी बात हमेशा दैवीय महत्व के साथ ही की जाती है। ये रानी थी मीराबाई, जिन्हें बहुत ऊँचा दर्जा प्राप्त है। मीराबाई को कई जगहों पर पूजा जाता है और कहते हैं कि उनके आसपास रहने वालों को कई चमत्कार देखने को मिले थे। मीराबाई मेवाड़ की रानी थी और श्री कृष्ण की भक्त थी। उन्हें अधिकतर लोग यही मानते थे कि वो दिव्य थी और श्री कृष्ण में ही विलीन रहती थी। मीराबाई को कई लोग संत मीरा भी कहते हैं और वो 16वीं सदी की कवित्री भी थी जो भक्ति रस के बारे में लिखती थी। वो जन्म से राठौर राजपूत थी और कट्टर परिवार की होने के बाद भी उन्हें निडर और सामाजिक माना जाता रहा। उनके परिवार ने उन्हें कई बार कृष्ण भक्ति से रोका पर उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया। कृष्ण ही नहीं राम भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थी मीराबाई। मान्यता है कि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के लिए तुलसीदास से उपाय पूछा था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीराबाई को जब कृष्ण भक्ति करने को मना किया गया तो उन्होंने तुलसीदास को गुरु मानकर उनसे पत्रों के जरिए संवाद किया और अपनी दुविधा का उपाय मांगा। तब तुलसीदास ने उन्हें राम भक्ति करने को कहा और उन्होंने राम को लेकर भजन लिखना शुरू किया। इनमें से बहुत ही चर्चित माना जाता है पायो जी मैंने राम रतन। कृष्ण को माना पति, लेकिन भोजराज से हुआ ब्याह। मीराबाई को लेकर ये कथा चर्चित है कि बचपन में जब किसी की बारात देखने घर की सारी स्त्रियां छत पर गई थी, वहीं मीराबाई ने माँ से पूछा था कि मेरा दूल्हा कौन है। वहाँ माँ ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर कहा था कि वो है तुम्हारा दूल्हा, और तब से ही उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। मीराबाई जोधपुर की राजकुमारी थी और जब उनके विवाह की बात चली तो उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मेवाड़ के राजकुमार से कर दी गई थी। जहर का असर नहीं होता था मीराबाई पर। श्री कृष्ण की भक्ति की बात करें तो ना ही मीरा के परिवार वालों को ये पसंद था और ना ही उनके ससुराल वालों को। माना जाता है कि वो घंटों एक ही मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी और ऐसे में उन्हें विषलोक लाज की कोई चिंता नहीं थी। ऐसे में उनके ससुराल वालों ने कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की और कई बार तो सांप से कटवाने की कोशिश भी की, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शादी के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति का देहांत हो गया और उस वक्त उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी और वो कभी वृंदावन तो कभी द्वारका गईं। कैसे हुई थी मीराबाई की मृत्यु? मीराबाई की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि उन्होंने द्वारका में देह त्यागी थी और किसी के अनुसार वो वृंदावन में थी। मीराबाई को लेकर ये लोकथा प्रचलित है कि उन्होंने देह त्याग किया था, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। प्रचलित कथा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक कृष्ण मंदिर में नाचती गाती रही थी और उनकी भक्ति देख पूरा माहौल दिव्य हो गया था। एक समय के बाद वो जमीन पर गिर गईं और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। जब कुछ क्षण बाद वो खुले तो दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। लोगों के अनुसार उस वक्त बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थी, बस कृष्ण में विलीन हो गई थी। इतिहास में भी उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी ठीक ठाक नहीं लिखा है और उनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।